सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा आप लोग देख रहे हैं, कल 17 तारीख को UPL यूटिलिटी पावर टेस्ट लिमिटेड का लोगो पायलट का पेपर है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, हम आप लोगों को बताते हैं। जैसा आप ये फॉर्म देख रहे हैं, इस फॉर्म को सिग्नेचर करना है और इसमें लिखा गया कुछ नोट्स हैं जो इस प्रकार हैं कि नोट्स में आप लोग इस चीज़ का ध्यान देंगे कि किसी प्रकार का मोबाइल, ब्लूटूथ, ये सब चीज़ अंदर अलाउ नहीं। साथियों, आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। अब जैसा आप फॉर्म देख रहे हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है COVID-19 का। इसमें आपका नाम दिया गया है और आगे जो है कि आप उसमें वो कर सकते हैं, अपने पिताजी का नाम या फिर जो भी हैं वो कर सकते हैं। अब इस पे कुछ है टेक्निकल क्वेश्चन है जो इस प्रकार हैं, आप देख रहे हैं। इन सब क्वेश्चनों को विशेष ध्यान दें और आप तैयारी करके परीक्षा परिसर में पहुँचें। वहाँ जाने से पहले ही रिविज़न कर लें और किसी प्रकार का आप टेंशन ना रखें। ये आपके काफ़ी मदद आएगा पेपर जो टेक्निकल में है। और आपको बताते चलें कि इसमें से 70 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के आएंगे और 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल होंगे, जिसमें से लगभग 30 क्वेश्चन में मैथ होगा आपका, रीनी जी के GS कुछ होगा, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन मान के चलिए कि आपके मैथ के होंगे। और उसके बाद फिर जो है कि कुछ जनरल अवेयरनेस होंगे, रीजनिंग होगा आप, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग जो टफ क्वेश्चन हो, जो आपको लगे कि ये ज़्यादा कठिन है, तो उसको आप थोड़ा सा लेट करेंगे, क्योंकि 120 मिनट का ही समय है आपके पास, 2 घंटे का समय है। 120 क्वेश्चन भी हैं, जिसमें 70 क्वेश्चन टेक्निकल के होंगे, 50 नॉन टेक्निकल। तो आप लोगों से दोस्तों यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस दे के आएँगे और आप लोगों जो है कि अपने हिसाब से आप तैयारी तो किए ही होंगे, लेकिन मैंने एक मॉड्यूल तैयार किया है जिसके बेस पे आप कुछ और क्वेश्चंस इसमें ऐड हैं, जिसे आप अपना पेपर अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, इसमें खास करके MCB, RCCB, ELCB, OLCB, ACB और SF6, तो MCB का मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, RCCB रिड्यूशनल करंट सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्टिफिकेट, आयल सर्किट ब्रेकर, तो एयर सर्किट ब्रेकर और SF6 ब्रेकर। अब इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जैसे करंट की इकाई क्या होती है, ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, डेंस क्या होता है, ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है, AC या DC। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता ही होंगे, फिर भी आप एक बार रिवीजन कर लेंगे। और ख़ास करके आप ट्रांसफार्मर का चैप्टर, मोटर का चैप्टर, ये सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और ज़्यादातर आज के क्वेश्चन ओम्स लॉ, लेंस नियम हो गए और प्लवन के नियम, ये सब कुछ जो आपके लॉ हैं उन लॉज को पढ़ के जाइएगा। कुछ उसके थियोरीज होंगे और आपके कुछ फार्मूला होंगे, फार्मूला थोड़ा सा तैयार करके रखिएगा। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। और वीडियो को भी आप लोग अगर अच्छा लगे तो शेयर। दोस्तों, आप सभी लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जाएंगे और अच्छे से पेपर दे के आएंगे। कुछ उसमें जो मैकेनिकल के बच्चे होंगे, जो फीटर से होंगे, कुछ डीजल मैकेनिक भी होंगे, उन लोगों के लिए भी कुछ क्वेश्चन हमने कुछ बना के डाले हुए हैं इसमें। और आपकी तैयारी तो होगी ही, आप पेपर देने जा रहे हैं तो, लेकिन कुछ चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि आप अपने समय को ख़राब या नुकसान नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन आ रहे हैं पहले उनको हल करेंगे, फिर जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप निगेटिव मार्किंग के चक्कर में ना पड़ें और पूरे क्वेश्चन करके आएँ। जितने समझ में आ रहे हैं अच्छे से वो तो करें ही करें, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो छोड़ के भी नहीं आना है। दोस्तों, फिर आप लोगों से एक नए वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। और आप लोग अच्छे से पेपर दीजिए, बेस्ट ऑफ लक। मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।